अमृतसर च ब्याज ते पैसे देने वाले लोगों वालों एक व्यक्ति की कुट कुट के हत्या कर दी है। दसिया जा रहा है कि मृतक के दोस्त ने किसी को ब्याज के पैसे ले सन, जिसके चलते वह लोग उस नूं लगातार धमका रहे सन। अज सवेरे जदों कुछ अणपछाते लोगों वालों उसके दोस्त ते हमला कर दिता तां मृतक उसकी मदद करने वास्ते उत्थे पहुंच गया, जिसते हमलावरां ने मदद करन गए नौजवान नूं कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ आरोपी अजे भी फरार दसे जा रहे हैं। कैंट के अंदर मामला होया वा ते आंढ़ियां गुआंढ़ियां का झगड़ा ही, लैन देन तो झगड़ा ही, यह मुंडा बेचारा छिडावा ही गया वा। अभिषेक का ना है, छोटा ना है जानू आ, वो सारे दूजी जी पार्टी ही वह सारे पै गए तो चीज़ ए कोई यहोजी थोड़ा जहाँ यह समझ लो बट बुट मार के बट तेनू ये सिर से सट लगी जितनों ये बेचारी डैथ हो गई है। ये 11-12 बजे सानू इनफॉर्मेशन आई है जी, उस वे ही चल गया हॉस्पिटल। तीन गिरफ्तारियां कर दी जी, बाकी 6 पुलिस मार रही छापे उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते। सर उत्थे छोनी कैंट के हुई है, मेरे आन के तो लाल चंद जी मेरे गल पिया, मैं कहता उसको पैसे दवा के दो, तो मैं कहा मेरा बच्चे रोल ही कोई नहीं, मैं कल ही दवा के दवा। तो उन्हें आन के तो मेरे चपेड़ मार दी, हथों पाई हो गए गुत्थम गुत्थे। मेरा भनेवा आया वो छुटान डाया, पिछों मुंडे ने मारिया, मुरली ने थोड़ा मारिया, शराब सारे रजे थे, एक घट तो घट 10-12 जने अंदर शराब का काम भी करता जी लाल चंद, तो वैजू पैसे भी दिता सारा उत्ते, मतलब कि इस तरह हर महीने कहीं ना कहीं झगड़ा। पुलिस वालों सर उन्होंने 2 बंदे फड़े आ, तो 307-302 का परचा कटिया जाए उन्होंने, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की जाए। वो 2 जवाई तो 2 मुंडे फरार है। दसिया जा रहा है कि एक नौजवान कुटमार नाल गंभीर जख्मी भी है, जो स्थानक हस्पताल में जेरे इलाज है। अमृतसर तो धर्मवीर गिल, खबर है।